मैंने बहुत अरसे से मैं इस बारे में बात करी थी कि मुस्लिम्स और पाकिस्तानीज को बड़ा मिसरिप्रेजेंट किया गया इन द वेस्ट, एंड मैंने हर प्लेटफॉर्म पे जाके बड़े से बड़े इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म से भी बात की है, विच आई गॉट अ लॉट ऑफ अप्रिसिएशन ऑल्सो फॉर दैट. लेकिन फिर मैंने रियलाइज़ किया कि सिर्फ बात करने से कुछ नहीं होता. वो मेरे कैरेक्टर का नाम है जोया, और जोया जो है बड़ी बेबाक किस्म की लड़की है. अपने आप से बहुत मोहब्बत करती है, अपने आगे वो कुछ नहीं देखती. तो वो अपने आप की फेवरेट एक्टर है से, एंड शी इज़ समवन हु नोज व्हाट शी वांट्स, और उसको इस बात का अच्छी तरह से पता है कि जो वो चाहती है वो होना कितना इम्पोर्टेंट है बनिस्बत इसके कि उसको जो कहा जा रहा है करने के लिए. उसके लिए वो बड़ा फाइट भी करती है, उसके लिए वो बहुत अपने ग्राउंड पे, शी स्टैंड्स ऑन अ ग्राउंड. बट देन सिचुएशंस, किस तरह से कुछ सुपर नेचुरल एक्टिविटीज़ भी होती हैं इस फिल्म में, जिससे बहुत सारी चीज़ों में जो है ना वो अप्स एंड डाउन्स आ जाते हैं सिचुएशन में. बड़ा फैमिली ड्रामा है इसमें. तो इस कैरेक्टर को करने और इस मूवी के लिए साइन अप करने के क्या रीजंस थे आपके? रीज़न तो सिंपल से थे कि वजाहत के साथ मैं पहले भी दो दफ़ा काम कर चुकी हूँ. मेरा बड़ा ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहा है उनका, जो एक सबको साथ लेके चलने वाला जो एक उनका तरीका है. एंड इट्स ऑलवेज उनके सेट पे हमेशा बड़ा मज़ा आता है, फन एंड गेम्स में काम हो जाता है और जो है वो पता भी नहीं चलता. सो एक तो मेरा अच्छा एक्सपीरियंस रहा. फिर जब उन्होंने मुझे कहानी सुनाई तो मुझे कहानी बड़ी मज़े की लगी, इंटरेस्टिंग लगी. इस तरह का जिसमें सुपर नेचुरल एक्टिविटीज़ और इस तरह की फिल्में बहुत बनती नहीं है यहाँ पे, और ऐसी फिल्म मैंने नहीं की थी पहले. सो मुझे लगा कि डेफिनेटली आई शुड डू इट, एंड द नेक्स्ट थिंग वाज आई वाज साइनिंग द पेपर्स. तो ये दो रीजंस थे. सो हमने आपको फहद मुस्तफ़ा के साथ, हुमायूं सईद के साथ मोर देन वन फिल्म्स में देखा है. लास्ट ईयर वहाज के साथ हमने देखा, अब अली रहमान के साथ आप आ रही हैं. सो ये शिफ्ट कैसा था आपके लिए? आई थिंक बीइंग एन एक्टर, मुझे लगता है कि आई शुड बी, ऑल्दो मेरी बहुत अच्छी और फिल्में रही हैं हुमायूं और फहद के साथ, और मैं हमेशा उनके साथ जब भी कोई अच्छा प्रोजेक्ट होता है आई लुक फॉरवर्ड टू इट. लेकिन मैं ये भी चाहती हूँ कि मैं और अलग अलग एक्टर्स के साथ भी देखूँ, क्योंकि माशाल्लाह वी हैव सच अ ग्रेट यू नो लाइन अप ऑफ एक्टर्स इन आर इंडस्ट्री. सो आई वाज लाइक, अली इज़ अ ग्रेट फ्रेंड ऑफ माइन, और हम हमेशा जब भी मिलते थे हमें कहते थे यार कोई काम करना है साथ, कोई फिल्म करनी है. सो दिस जस्ट हैपेंड और मुझे बड़ी खुशी हुई. और अली के साथ काम करना बड़ा मेरे लिए एक बड़ा मज़े का एक एक्सपीरियंस रहा, बिकॉज हमारी वैसे भी दोस्ती है, और इस रोल में भी जो है हमारी नोक झोंक और बड़ी एक इस तरह की आपस में डायनामिक दिखानी थी. तो उसके लिए इट वॉज वेरी कम्फर्टेबल फॉर मी टू डू इट, एंड केम वेरी नेचुरली टू मी एंड हिम. आई लव ड्रामाज, आई स्टार्टेड विद ड्रामाज, और मुझे तो बड़ा ज़बरदस्त फीडबैक जब भी टी वी का कोई शो होता है, कोई भी ड्रामा होता है, उसका उसकी ऑडियंस इज़ ह्यूज एज़ कम्पेयर टू अ फिल्म ऑडियंस. क्योंकि फिल्म एक ऐसी चीज़ है जिसमें पीपल पे, वो पैसे देते हैं अपना हार्ड अर्न मनी एंड देन दे वॉच द सिनेमा. टी वी हर घर में, ड्रामे हर घर में देखे जाते हैं और दुनिया भर में देखे जाते हैं, तो उसका रिस्पॉन्स और फीडबैक बहुत बड़ा होता है. और एक आर्टिस्ट के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि उसको अपने काम का फीडबैक मिलता रहे और लोग पसंद कर रहे हैं और देख रहे हैं. तो आई वुड ऑलवेज वॉन्ट डू अ ड्रामा, बट द प्रॉब्लम इज़ कि अच्छा स्क्रिप्ट हो. और मुझे स्क्रिप्ट आते रहते हैं, मैं पढ़ती रहती हूँ, बट कोई भी ऐसा स्क्रिप्ट अभी तक नहीं नज़र आया जिसमें मुझे लगे कि ये वो चीज़ है जो मैंने अभी तक नहीं की. या तो वो ऐसा होता है कि मैं कर चुकी हूँ, या वो ऐसा होता है जिस चीज़ से मैं खुद रिलेट नहीं कर पाती, कि एक डोमेस्टिक वायलेंस है या सास बहू ऑल दैट, वो मैं कर चुकी हूँ, बिन देयर डन दैट. सो आई वॉन्ट टू डू समथिंग विच इज़ डिफरेंट आउट ऑफ द बॉक्स. बिल्कुल, मैं तो आई एम ऑलवेज ओपन फॉर क्रॉस कोलैबोरेशंस, एंड एक आर्टिस्ट की कोई भी बॉर्डर या कोई सरहद या कोई ऐसी लिमिटेशन होनी नहीं चाहिए. मुझे लगता है कि हम एज आर्टिस्ट ब्रिज होते हैं इन सब चीज डिफरेंसेस को ख़त्म करने के लिए, इन पासनों को दूर करने के लिए. तो वो इसी तरह हो सकता है पॉसिबल जब कोलैबोरेशंस हो. ऑडियंस है, दुनिया भर से लोग अब देखना चाहते हैं पाकिस्तान
आपके काम को, हमारे लोगों को, हमारे टैलेंट को, और हमारे यहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं है सिवाय रिसोर्सेज के, जो कि अब आहिस्ता आहिस्ता वो भी मसला हल होता जा रहा है माशाल्लाह. नाउ वी आर टेक्निकली स्ट्रॉन्ग, नाउ वी नो एग्जैक्टली व्हाट वर्क्स. सो इंशाल्लाह सून देयर विल बी अ लॉट ऑफ कोलैबोरेशन हैपनिंग मेरी और अदर आर्टिस्ट. आपने अपना प्रोडक्शन भी अनाउंस किया था और अभी आपने बात की कि आप भी प्रोड्यूस करेंगी, तो क्या उसमें किस तरह के कंटेंट या किस तरह के टॉपिक ज़रा क्लोज टू योर हार्ट यू वुड वांट टू एक्सप्लोर? सो बेसिकली मैंने बहुत अरसे से मैं इस बारे में बात करी थी कि मुस्लिम्स और पाकिस्तानी को बड़ा मिसरिप्रेजेंट किया गया इन द वेस्ट. एंड मैंने हर प्लेटफॉर्म पर जाके बड़े से बड़े इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म से बात की है, विच आई गॉट अ लॉट ऑफ अप्रिसिएशन आल्सो फॉर दैट. लेकिन फिर मैंने रियलाइज़ किया कि सिर्फ बात करने से कुछ नहीं, ये मुझे अपने हाथ में उठाना पड़ेगा मैंटली, एंड आई हैव टू डू इट माईसेल्फ अगर मैं चाहती हूँ कि इस तरह की चीज़ें हों. तो इसी रीज़न पे के बेसिस पे मैंने वो पिंक नामक फिल्म कंपनी खोली है. और जब मैंने मिस मार्वल किया तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये जो इस तरह की रिप्रेजेंटेशन पे बेस्ड चीज़ें बनना चाहिए, क्योंकि देर इज़ एन ऑडियंस. जिस तरह का फीडबैक मिला हमें, फर्स्ट पाकिस्तानी मुस्लिम सुपर हीरो ब्राउन गर्ल जो कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में पहली बार आई है, तो ये बहुत बड़ा एक ग्राउंड ब्रेकिंग चीज़ थी. इट वॉज अ ब्रेक थ्रू. और उस चीज़ ने ना मेरे इस बात को पुख्ता किया, इस सोच को कि ये चीज़ होनी चाहिए और हो सकती है. सबसे मेजर क्रश मुझे लियोनार्डो डिकैप्रियो पे था भी और अब भी है. पाकिस्तान में अभी तक कोई ऐसा मिला नहीं जो जिसको देख के दिल में कुछ घंटी बजे. लेकिन अगर लियोनार्डो डिकैप्रियो तो अगर आप बारात लेके आना चाहते हैं तो मैं तैयार हूँ. शादी की ऑफरें आई और आती हैं, बट क्योंकि मैंने मेरे लिए शादी, मुझे लगता है, और ये लगने की बात नहीं है, एक फैक्ट है कि शादी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है. और शादी सिर्फ दो लोगों का नहीं, दो ख़ानदानों का मिलन होता है. तो उसमें मैं, अगर मेरे कुछ गोल्स हैं, कुछ एम्बिशंस हैं, कुछ मैंने सोचा हुआ है अपने करियर के लिए, मैं दोनों को साथ लेके, मुझे लगता है मेरे लिए मुश्किल होगी. तो काम हमेशा से प्रायोरिटी रहा है, उस वक्त जो कुछ सोचा है. तो शादी की ऑफरें आती हैं, बट इस वक्त फ़िलहाल मैं उस मेंटली उस जोन में नहीं हूँ कि मैं शादी को टाइम दे सकूँगी. और मैं, क्योंकि परफेक्शनिस्ट हूँ, तो मैं शादी जैसे रिश्ते को तो मैं बहुत भरपूर तरीके से निभाना चाहूँगी उस रोल को. शायद मैं थोड़े टाइम के लिए ब्रेक भी लूँ अपने करियर से, लेकिन इस वक्त वो ब्रेक मैं ले नहीं सकती क्योंकि मैंने बहुत कुछ सोचा हुआ है, बहुत सारी चीज़ें जिसमें मैं काम कर रही हूँ. लेकिन इस दौरान अगर कोई ऐसा कोई इंसान मुझे मिलता है जो मुझे लगे कि जो मेरी ज़िंदगी में वैल्यू ऐड करे, जो मुझे सपोर्ट करे मेरे काम में, मेरे ख्वाबों को पूरा करने में, जो कहे कि हाँ जाओ, जो करना है करो, अपने गोल्स को अचीव करो, कोई ऐसा हो जो कंपैटिबल हो, जो मेरे काम की नौयत को समझ सके, जो कि थोड़ा मुश्किल है पाकिस्तान में, तो मुझे लगता है कि अगर ऐसा कोई इंसान है जो मुझे मिलेगा और मैं काम भी कर रही होंगी, तो शायद मैं शादी का डिसीजन ले लूँ. लेकिन फ़िलहाल मेरे ख्याल से शादी एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है.